इस कहानी की शुरुआत होती है 7 जून 2023 में, जब सभी लोग माइनक्राफ्ट 1.20 के अपडेट को एंजॉय कर रहे थे। उस टाइम मैं इस सोच में डूबा था कि मेरे दोस्त ने मुझे नूब क्यों कहा था, और अब मुझे मेरे दोस्त को ये प्रूव करना था कि मैं नूब नहीं हूँ। और इसी के लिए मैं एक माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसमें मैं सिर्फ 1.20 की चीज़ें ही यूज़ करने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं विलेज में पाए जाने वाले फूड एंड टूल्स का यूज़ करने वाला हूँ। मेरी किस्मत ने मेरा पहली बार साथ दिया है। मेरे स्पॉन से थोड़ी दूरी पर ही चेरी ग्रोव बायोम है। चेरी बायोम 1.20 में आया तो मैं इसके वुड लेकर आराम से टूल वगैरह बना सकता हूँ। मैंने बहुत सारा वुड, अबे यार मधुमक्खी रन, अभी जल्दी से घर बनाते हैं रात बिताने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पहली रात ही मैं बिना बात के ज़ॉम्बियों से मर जाऊं। फाइनली हमारा छोटा सा घर भी बनकर तैयार हो चुका है, एंड साथ ही यहाँ पर रात भी हो चुकी है। मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ब्लॉक तोड़े कुछ डिजाइन बना लेता हूँ, और उसी मोहगले में से फिर ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। बट मैं इस ज़ॉम्बी को आसानी से मार देता हूँ, फिर भी मेरे 5 हार्ट ले जाता है ये। एंड इसके बाद मैं मोहगले भरना स्टार्ट कर देता हूँ। ये मोहगले भरते भरते मुझे सुबह हो जाती है, और इसी के साथ मैं चल देता हूँ एक विलेज ढूंढने, क्योंकि यहाँ पर मेरा हंगर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मुझे फूड की ज़रूरत है। मैं भी कम से कम 1500 ब्लॉक दूर चल के आ चुका हूँ, बट अब तक मेरे को कुछ नहीं मिला। ओ स्ट्रक्चर, फाइनली मेरे को यहाँ पे एक विलेज भी मिल चुका है। विलेज में घुसने के साथ ही मैं अपना स्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ। चेरी ग्रे बायोम से मैं कुछ पौधे ले आता हूँ, जिन्हें मैं यहाँ पर ला के लगा देता हूँ, क्योंकि चैलेंज के हिसाब से मैं सिर्फ इसी का वुड यूज़ कर सकता हूँ और एक बैम्बू का। यहाँ पर मेरे पास जितने पौधे थे मैंने सारे सारे लगा दिए। फटाक्स वाइज फूड ढूंढ लेते हैं। आ यहाँ पर फूड है, चलो मेरा हंगर का भी काम हो जाएगा यहाँ से। इस विलेज में आने के बाद मेरे को इतना सारा फूड मिल चुका है कि अगर मैं ट्रेवल करने स्टार्ट करूँ तो काफ़ी टाइम तक मुझे फूड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मुझे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मिल चुका है, आयरन गोलाम। अब इसको मारने की बारी है। रन, इसे मारने के चक्कर मेरी लकड़ी की 3 पिकैक्स टूट गई। खैर अब मर चुका है ये। अबे नहीं यार, मैं आयरन को तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक ये विलेजर की चेस्ट में ना मिले। मैंने जो चेरी का पौधा लगाया था अब वो पेड़ बन चुका है, तो फटाक से अब लकड़ी काट लेते हैं, क्योंकि अपने को बहुत सारी लकड़ी चाहिए अभी। मेरे को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं इसको सफा कर रहा हूँ अभी। चल झूठा। अरे हाँ ओके, मेरे को चेरी ग्रेप के पौधे चाहिए इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ। अभी सबसे पहले वुड से मैंने फेंस बनाई है, जिससे कि बाहर के मॉब से अपने विलेजर्स को मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ। कम से कम आध घंटा मेहनत करने के बाद यहाँ पर मेरा फेंस का काम तो कम्प्लीट हो चुका है। इतने मैंने फेंस लगाए, इतने मेरे चेरी बायोम का बाग भी तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं फिर से वुड काट रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर अभी कोल चाहिए, और मैं कोयल माइन नहीं कर सकता था, बट इसका बना सकता हूँ। अभी मेरे को फर्नेस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कोल बनाने के लिए फर्नेस चाहिए, और मेरे पास पत्थर भी नहीं है जो कि फर्नेस बना सकूँ। आह मैं नहीं ले सकता पत्थर यार। अबे यार अबे ये कहाँ से आ गया। आह खैर मैंने इसको आराम से मार दिया, मतलब लगी थी 4-5 मिनट, बट मैं नहीं दिखाने वाला भाई क्या क्या करना पड़ा था मेरे को मारने के लिए इसे। ओके अभी एक बार यार लास्ट वीडियो को शॉर्ट आउट कमेंट्स देख लेते हैं। हाँ मैं काफ़ी लेट हूँ, बट यार देख लो। अभी यार अगर आप लोगों को भी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट चाहिए तो भाई फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी यार चलते हैं फिर भाई, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि अपने को फर्नेस मिलता है या नहीं।